आज का दिन राजस्थान और राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा ही खास है। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब जनता को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार है तो राजस्थान विकास के नए आयाम लिखेगा, पर कहते हैं ना कि सत्ता की कुर्सी कांटों से भरी होती है। नए सीएम के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल और डीजल के दामों का है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने राज्य में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का मुद्दा उठाया था और वादा किया था कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो कीमतें कम होंगी। सत्ता में वापसी हो चुकी है और भजनलाल सरकार के सामने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बीजेपी शासित राज्यों के बराबर लाने की चुनौती है और इसके लिए नई सरकार को इसके दाम 10 से 11 रुपए प्रति लीटर कम करने होंगे। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है पुरानी योजनाओं को कैसे जारी रखा जाएगा। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसमें हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन जारी रखने का दबाव भी नई सरकार पर होगा। भजनलाल शर्मा के सिर पर जिम्मेदारी तो बड़ी है, पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भजनलाल को ऐसे राज्य की जिम्मेदारी मिली है जो बुरी तरह कर्ज में भी फंसा हुआ है। आरबीआई की एक रिपोर्ट की माने तो राजस्थान का कर्ज 2022-23 में बढ़कर 5,37,013 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक यानी 7 महीनों में ही राज्य सरकार ने 12,288 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इससे पिछले साल यह आंकड़ा 45,809 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में कर्ज का बोझ करीब 18 से 20% बढ़ गया। ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इन चुनौतियों के अलावा राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, पेपर लीक को रोकना, प्रदेश में क्राइम को कम करने जैसी चुनौतियां भी होंगी। खैर, जनता को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अब भाजपा का उगता सूरज कितना प्रकाश फैलाएगा और भाजपा का नया प्रयोग कितना सफल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।